गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है भला किड्स में। आज की जो वर्कशीट है कक्षा छठी की रहेगी, विज्ञान सब्जेक्ट रहेगा विषय, और हिंदी मीडियम रहने वाला है। कार्यपत्र जो है 14 रहेगी, वर्कशीट 14 है और 24 अगस्त के रहने वाली है। और 23 की जो है वर्कशीट मैंने डाल दी है इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में, मैथ की और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो भी मैंने डाल दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब जो मेन सब्जेक्ट आप देख रहे हैं भोजन के घटक, तो आपको जो है विषांश और पानी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ के ही जो है आप नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यह विषांश है, ये बोल रहा है कि ये हमारे भोजन के मौजूद आहारी रेशे हैं, यह शरीर से बिना पचे हुए भोजन को निकलने में मदद करता है, पाचन तंत्र के द्वारा अनपचे भोजन बाहर निकालने में सहायता करता है, ये कब्ज को रोकता है। अनाज फल सब्जियां इसके कुछ सूत्र हैं, यह कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते हैं फिर भी इनकी उपस्थिति जो है भोजन में आवश्यक है। ये जो शांश जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर में जैसे कब्ज बन जाती है जब हम फल फ्रूट्स खाते हैं, तो उसको कब्ज से रोकता है, ठीक है। और हमारा जैसे खाना पचता नहीं है तो उसको पचाने में मदद करता है। अब ये जो पानी है, ठीक है, ये भोजन को घुलने पचाने में अवशोषित करने में मदद करता है, यह पसीने मूत्र के रूप में शरीर से अपशिष्ट को निकालता है, जो अपशिष्ट वो होते हैं जो गंध होता है ना कूड़ा वूड़ा, तो उसको निकालने में मदद करता है। इसलिए हमें हर दिन खूब पानी पीना चाहिए। और यह शरीर के भार का लगभग 70% भाग बनाता है, ठीक है। हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो और हमारे लिए अच्छा रहेगा। यह शरीर त्वचा को स्वस्थ रखता है और यह हमारे जोड़ों की रक्षा करता है। अब जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको सही या गलत बताना है। आपको ऐसे 3 क्वेश्चन उतारने हैं, फिर आपको ब्रैकेट बनाना है, उसमें सही है तो सही लिखना है, गलत है तो गलत लिखना है, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है, इन्हें बोला पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद नहीं करता। अभी हमने पढ़ा था ना कि मदद करता है, ये देखिए एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना शरीर से अपशिष्ट को निकालता है, ठीक है, तो ये मदद करता है, तो इसका जो आंसर आएगा गलत है, ठीक है, आपको गलत लिखना है। एक मैं सही से बना देता हूँ, ठीक है, आपको गलत लिखना ही वाला। अब सेकंड जो है विषांश कब्ज से बचाव में मदद करता है, सही है, ठीक है, आपको सही लिखना है। तीसरा जो है पानी हमारे शरीर में भाग 60-70% होता है, ठीक है, तो लगभग इनमें बोला है तो 60-70 जो है ये सही रहेगा, तो इसका भी जो आंसर है सही है, ठीक है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको जो है ऐसे सेकंड क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, आपको जो फिल इन द ब्लैंक भरना है, इसको फिल करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों में से आपको एक पे सही करना है, लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें बोला है फर्स्ट में डैश अनपचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है, क्या विषांश, ठीक है, पहले का विषांश हो जाएगा। सेकंड है डैश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, ठीक है, कौन नहीं करता, विषांश और पानी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर जो है, यहाँ पे बोला है ना कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसके दोनों के जो आंसर है पहले का भी ए है दूसरे का भी ए है, ठीक है। तो ये वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना हो सके शेयर करना। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।